गाइज ये चप्पल चोर, देखो चप्पल इसने चुरा के वहां से वहां ले आया। ये है असली चप्पल चोर, दिखते कोठी बंगले वाले हैं मगर है चप्पल चोर। अरे वहां से आगे कर, हाँ चप्पल चोर है, मेरे को पता है तुझे। अरे आ जाओ वो देख तेरी। मैं भाई बहुत मजे करूंगा। ये क्या कर रहा है अंश? कैसे हैं आप? आज आप देख रहे हैं अपना मेरे इसका व्लॉग्स। तो भाई आज है मंडे और अभी अभी बस भाई थोड़ा वर्कआउट वगैरह करा था और अब हम करते हैं व्लॉग कंटिन्यू। और अभी अभी मेरे को प्रीतमपुरा जाना था तो वहाँ चलते हैं और थोड़ी दाढ़ी भी बढ़ गई तो बियर्ड ट्रिम कर लेते हैं ट्रिमर से और फिर चलते हैं गाइज। और अभी जल्दी जल्दी करते हैं। हाँ तो गाइज बियर्ड हो गई अब ट्रिम और हाँ अब चलते हैं और नहाते वगैरह। और भाई काफ़ी ना गर्मी हो गई थी तो मैंने थोड़ी सी कम कर ली बियर्ड अपनी और शेप में ले आया। और चलो गाइज अब चलते हैं। और गाइज मौसम देखो बड़ा ख़तरनाक हो गया क्योंकि मैं कर रहा हूँ ब्लॉगिंग इसीलिए पता है ना। और यहाँ पे हो रखा है थोड़ा गंद मचा पड़ा है। शिनचैन बना रहा था मैं, देखो ये मैंने वाइट थोड़ा गलत कर दिया, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। और बाकी ये देखो गाइस कितना मस्त लग रहा है ये ना वाइट पे कराना है। देखो थोड़ा सा ना फिनिशिंग नहीं आ पाई ढंग से और बाकी तो देखो बढ़िया लग रहा है। ये देखो अभी इसको थोड़ा डूडल वगैरह टाइप कर दूंगा और भी काफ़ी कुछ बना दूंगा। और एक बार शिनचैन बताओ भाई किसका फेवरेट था, एक बार बताओ भाई कौन कौन देखता था शिनचैन अपने बचपन में, कमेंट करो। हाँ तो गाइज अभी हम निकल रहे हैं प्रीतमपुरा के लिए और भाई मौसम कितना मस्त हो रहा है ना, तो अंश के साथ ही निकलो, अंश को भी काम था वहाँ पे और अंश के साथ। Many unbearable hours later. हाँ तो गाइज अब आ गए थे हम घर और अभी मम्मी और मैं जा रहे हैं पार्क। मम्मी अपना थोड़ा सैर वगैरह कर लेंगी और मैं अभी जाता हूँ थोड़ा पार्क वगैरह। हाँ तो गाइज मैं और मम्मी आ गए हैं पार्क और थोड़ा भी सैर करते हैं फिर चलते हैं घर। हाँ तो गाइज सैर वगैरह तो हो चुकी है और भाई थोड़ा वर्कआउट भी कर लिया। और भाई अभी यहाँ का व्यू देखो यार कितना प्यारा आ रहा है ना, मतलब एकदम ना फ्रेश एयर आती है एकदम ठंडी ठंडी, तो ना मतलब एक अलग सी वाइब चेंज हो जाती है और काफ़ी ना रिलैक्स फील होता है। तो भाई काफ़ी टाइम बाद आया हूँ मैं पार्क क्योंकि भाई टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो अब टाइम मिला तो देखो मैं आ गया। और अभी भाई काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई चलने में। गाइज अंश आ गया है और आज अंश का है आखिरी, क्या है भाई आज आखिरी हॉलीडे आज। और भाई सबको याद आया है कि इसका अभी एक प्रोजेक्ट रह गया है तो अब ये बनवा रहा है मेरे से, झोपड़ी सी बनानी है तो बढ़िया से बना देते हैं इसका प्रोजेक्ट और फिर भाई होमवर्क कम्प्लीट। तो मैं क्या करूँ और अभी इसको पापा जी से डांट पड़ी, पापा जी ने बोला साइकिल नहीं चलाना क्योंकि इसके पेट दर्द फीवर ऐसे ही तो रह रहा है। और पापा जी ने बोला गर्मी के कारण मतलब साइकिल से वो हो रही है तो मत चला साइकिल, फिर भी साइकिल चला रहा भाई जो डांट पड़ी ना अभी इसको क्या बताऊँ। हाँ तो गाइस अंश का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ अभी, ये वाला बेस तैयार कर रहा है और इसका जो ऊपर का है इसका एक पोर्शन यहाँ को तैयार हो गया, अब ये वाले पोर्शन में यहाँ लगाऊंगा फिर साइड वगैरह कवर करूंगा और काफ़ी बढ़िया बनने वाला है भाई ये। और सब हेल्प करा रहे हैं, मतलब काम तो इसका है हेल्प मैं करा रहा हूँ सॉरी। तो मम्मी भी लगी हुई है काटने में, ये तो काटने का काम है इसका और कुछ इससे आता नहीं है, बस इससे फाइन टॉक्स करवा लो और तो इसे क्रिएटिविटी नहीं है इसमें, मतलब स्टैंड अप कॉमेडी टाइप ही है ये। गाइज इसकी ना मैंने सारी साइड्स वगैरह तो बना दी, अब बस सूखने का वेट है, उसके बाद इसको पूरा कंप्लीट करते हैं और भी बन जाएगा फिर तेरा प्रोजेक्ट। हाँ तो गाइज डिनर में है आलू की फ्रेजी और रोटी और भाई खाते हैं और ब्लॉग करते हैं कंटिन्यू। और बस थोड़ा सा रह गया है इसका भाई प्रोजेक्ट वगैरह और आज तो मतलब घर का ही ब्लॉग दिखाया और कल शायद हम कहीं जाए तो वो देखना आप अगले ब्लॉग में। तो हाँ गाइज अभी तो ब्लॉग करते हैं कंटिन्यू। हाँ तो गाइज एक बार ये चेक करो भाई कितना बढ़िया लग रहा है, छोटी सी हट बनाई है और इसका प्रोजेक्ट था ना आर्किटेक्ट बनाना था अंडमान एंड निकोबार का, मतलब ऐसी झोपड़ी टाइप, तो मैंने लगा यही सही है तो बढ़िया एकदम हट ना बढ़िया सी लग रही है। तो गाइज अब चलते हैं सैर करने
क्योंकि अभी बन गया, खाना वगैरह भी खा लिया, तो वही सैर करने चलते हैं और देखते हैं। हाँ तो गाइस अंश खिला रहे हैं मेरे को आइसक्रीम और आइसक्रीम खा रहे हैं हम और मस्त सैर भी कर रहे हैं साथ में। गाइस ये चप्पल चोर देखो, चप्पल इसने चुरा के वहां से वहां ले आया। ये है असली चप्पल चोर, दिखते कोठी बंगले वाले हैं मगर है चप्पल चोर। अरे वहां से आगे कर, हाँ चप्पल चोर है, मेरे को पता है तुझे। आज तो तूने प्रूफ ही कर दिया अंश, इस बंदे को ट्रोल कर रहा है। मतलब ना वो अभी यहाँ पे यहाँ को था, कह रहा भैया कुछ खा लो खा लो माल की जा रहे हो भाई। मतलब ये रहा भाई जिससे भाई किसी से भी पंगे ले लेता बेटा, अगर उसने पील दिया ना तो मुड़ मुड़ के देख रहा है। अरे आ जाओ वो देख तेरी। गाइस अंश को देखो बैग पैक कर रहा है। ओहो आ तो कल तो फिर स्कूल जाएगा। आप अकेले अकेले होगे तो क्या करोगे? मैं भाई बहुत मजे करूंगा। सच में? अच्छा कर ही लूंगा, कर लेना। हाँ तो गाइस अब थोड़ा सा हम खेलते हैं कैरम बोर्ड अंश के साथ, तो चलो खेलते हैं। ले ले भाई पहली बाजी, ये मारी मैंने। ओ बेटे गई, देखा मैं हुई प्रो प्लेयर क्या? हल्के में ले रहा है, हल्के में ले रहा था मेरे को प्रो प्लेयर से। अरे यार अभी तो भाई अपने पास इतनी और अंश के पास कितनी भाई तेरी? मेरे पास ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत ही है। और अब मैं ये लेने जाता हूँ नहीं ले पाए। यार चलने देना यार, ले यार अब अंश की बारी। ओ, तो एक दो बेटे क्या जा बात है। तो गई अबे यार हट बीच में रख। ओ गई ये भी गई। तो अरे यार हाँ तो गाइस कैरम बोर्ड पर खेल लिया अब और भाई मैं हार गया था, मतलब हारा तो नहीं, एक उससे हारा भी नहीं, मतलब टाई हो गया था और बस थक गया मैं। और चलो गाइस अब करते हैं ब्लॉग एंड और होप गाइस आपको ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा प्लीज लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट बाय गाइस। ये क्या कर रहे अंश? गाइज अंश हमारे लिए कोल्ड कॉफी बना रहा है, देखो कितनी मेहनत कर रहा है अंश के लिए, एक लाइक तो बनता है ना।